नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के गांव काजल हेड़ी में नशे के खिलाफ गठित की गई कमेटी ने ही अपने ही गांव के सरपंच पर नशा तस्करों की मदद करने पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें खास बात यह रही कि गांव के ही सरपंच भूप सिंह की अगुवाई में ही पूरे गांव ने 26 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें पूर्व सरपंच, पूर्व मेंबर सहित रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी तथा गाँव के कुछ पढ़े लिखे मौजूद लोग शामिल किए गए। कमेटी के सदस्य पूर्व सरपंच राम सिंह व जगतपाल ने बताया कि पूरे गांव की पंचायत में ये फैसला लिया गया था कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति पकड़े जाने पर नशा तस्करों की जमानत देता है या फिर किसी भी प्रकार से नशा तस्करी के आरोपियों की मदद करता है तो उसे 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। और गाँव के मुखिया यानी कि सरपंच के खिलाफ कमेटी के पास शिकायत पहुँची तथा सरपंच ने दो नशा तस्करों को पकड़ा गया था, जिनको सरपंच ने छुड़वा लिया। राम सिंह व जगतपाल ने बताया कि कमेटी ने गांव की गौशाला में बैठ करके सरपंच पर 5100 रुपये का जुर्माना लिखित प्रस्ताव पारित किया है और चौकीदार के जरिए सरपंच जुर्माने का लिखित फरमान भी भिजवाया है। फिलहाल सरपंच ने जुर्माना नहीं भरा है और सबूत देने की बात कही जा रही है। वहीं कमेटी से गाँव में रहने वाले धर्मपाल का कहना है कि गाँव काजल हेड़ी में नशा काफ़ी फैला हुआ है और कम उम्र के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे देश का भविष्य गर्भ में है। हम चाहते हैं कि हमारा गांव नशा मुक्त बने और पुलिस की हर तरह से हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि तस्करों की सूचना जैसे ही पुलिस को दी जाती है तो पुलिस आने से पहले ही सूचना नशा तस्करों तक पहुँच जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि ये लीकेज होता कहाँ पर है। वहीं सरपंच पर जुर्माना लगाए जाने के बाद और उसके सवाल पर धर्मपाल ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि गांव के मुखिया ही कमेटी का गठन करते हैं और वही नशा तस्करी में मदद करते हैं। इस तरह से नशे पर लगाम लगाना मुश्किल है। वहीं इस पूरे मामले में गांव के सरपंच भूम सिंह फौजी और फतेहाबाद पुलिस द्वारा उनसे पक्ष जानना चाहा, लेकिन दोनों ही अपना पक्ष रखने से बचते रहे। मीडिया के बार बार संपर्क करने पर भी सरपंच उपलब्ध नहीं हो पाए। फतेहाबाद के SP विजय प्रताप सिंह ने पुलिस की मिलीभगत के सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। गांव में फैसला लिया गया था कि नशे को रोकने के लिए कमेटी वगैरह बनाई गई, तो क्या फैसला, कमेटी क्या मकसद था बनाने का और कैसा उसका रिजल्ट गाँव में रहा? मकसद तो गांव को अजी दो सालों चल रहा है। बच्चा है या जो एक सोहर है जो इन्हें चिट्टो बोला है या समेक बोला है, मान लो छोटी उम्र का लड़का भी मैं बहुत ही शामिल होने लग गया। तो दो सालों में तो कोशिश करा भाई करो, ये अभी कमेटी बनी तो पूरे गांव इकट्ठे हो, तो सरपंच साहब भी मौके का सरपंच साहब वहीं था, मैं भी वहीं था, तो कमेटी में 26-27 आदमी का नाम लिखा कि भाई अगर नशा बेचने वाले का कोई भी मान लो जो पकड़ा गया, अगर कोई आदमी मैंने छुटा लिया है तो मैंने 5100 रुपये जुर्माना भरना पड़ी। तो उसके बाद में मान लो अब कोई कल परसों घटना हुई भी सरपंच के आपके मान लो चाचा का लड़का उसके घर भुरकी भरकी पकड़ी गई, तो वो सरपंच छुटा लिया उसको, और दूसरा उसका सिर था या पता नहीं क्या हो उसका एक का चलान कर दिया और एक ने उसने छोड़ दिया। तो कल कमेटी इकट्ठी हुई फिर तो भाई 5100 रुपया जुर्माना का सरपंच आया कौन ना जुर्माना भरियो, कोई पूछाया वो लेटर सा लिख के जो बन गया भाई कोई सबूत लिया हो ऐसे बात बोल दी मैं, तो फिर आ गया था मेरे को जल्दी थोड़ी, तो बाद में और बात चल रही वहाँ भाई सरपंच ने आना चाहिए था, सरपंच की मौजूदगी में ये मान लो सारी बात हुई है। भाई गाँव गए में बहुत बुरी बात है वो आज इसका, मैं सरपंच ने भी गलत काम किया है और हमें भी जो कदम उठावा तो इसके लिए मान लो भाई सहयोग चाहवा हमारी पंचायत को भी हो पुलिस को भी हो, तो इसमें पुलिस ने भी मान लो जो करा तो घटिया काम करा जी, अगर पैसे ले गए अगर किसी को छोड़ा है तो फिर हमारा गाँव का क्या रहेगा, कमेटी का कुछ नहीं रहा, फिर तो फिर कमेटी का फायदा क्या, हम तो इसमें नाम कटाएंगे। खुद ही हाँ कमेटी का अंतिम फैसला क्या रहा है, तो अगर वो जुर्माना नहीं बढ़ते हैं सरपंच तो उसका आगे क्या करें? कमेटी का तो ये कल ही रहा चलो कल SP का पैसा हो गई पूछने छोड़ कैसे दिया,
और तो कोई सरपंच कुछ कह नहीं सकते कि लड़ाई कौन करे भाई, लड़ाई तो किसी को कोई कर नहीं सकता। बात ही भाई जाएंगे एसपी साहब के पास है और एसपी साहब को कहेंगे भाई पुलिस छोड़ कैसे दिया, जब पुलिस ने मौके पर उठाई वहाँ से है, पुलिस ने मौके पर आप उठाई है वहाँ से उसके घर से, और कुछ 7-8 या कितनी पता नहीं दारू की पेटियाँ अवैध थी चोरी की, वो भी ले गया, वो छोड़ी है या कुछ करिया वो हमने पता नहीं। तो आप ये मानते हैं कि पुलिस की मिली भगत से भी नशा जो है बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल ही। अब एसपी साहब साइकिल पर आया है इससे फर्क पड़ा कुछ, और बाकी तो मिली भगत में चला ही है। एसपी साहब अगर साइकिल पर घूमया इससे फर्क पड़ा बहुत, 2-3 दिन पकड़िया भी गया और गया, पर यह जो हादसा कल परसों होया नहीं इसमें पुलिस की फिर मिली भगती आएगी, तो छोड़ कैसे दिया कर के जी जी कर मुँह उठाई है पुलिस ने आपने खुद ने, तो दूसरे को आगे जरूरत नहीं। तो क्या मानते हैं एसपी को अपने पुलिस मुलाजिमों पे ऐसे तो मिली भगत करते हैं, कैसी कार्रवाई किया एसपी साहब? भी करेगा कार्रवाई तो एसपी साहब साइकिल पर घूमया है, हमने भी बहुत धन्यवाद कराया भाई चलो रुचि ली एसपी साहब ने तो ये बात है, तो हम एसपी साहब से मिलेंगे भाई फिर हमारा फायदा ही नहीं, हमें कमेटी में से नाम हटा लेंगे, हमारा कमेटी में जा रहा हम किसी के लड़ाई थोड़ी करेंगे, ये तो प्रेम प्यार की बात है भाई, हाथ जोड़ हमारी विनती है काम की भाई पुलिस हमारी मदद करे और जायज मदद करे, और पुलिस पर कोई आपत्ति आ जाए तो पूरा गांव हम पुलिस के साथ, भाई कोई समय किया मर भी जाए कुछ और भी हो जाए तो हम पुलिस का किसी का बेचारी ऐसे नहीं है भाई इसको ऊपर कार्रवाई हो जाए, हम सारा काम उसके लिए तैयार हैं, पर पुलिस ने ये घटिया काम कर दिया और बहुत दाव पर कर दिया। पुलिस ने पूछा है जगह छोटी है उसने पूछा है कभी आपने लड़की अगर किसी छोरा का घर उस लड़के को दे ही हुई होती है और वो नशा करता था आपने में क्या बीतता है, और कल कोई आदमी मारता ही है भी चोरी काम होगी 2-3 है मिंद्र में घंटों खोल लिया, वो 50-60 किलो को हो 50-60 को हो वही खोल लिया, गऊशाला को लोकर तोड़ लियो, गऊशाला में कोई तोड़ ही कौन सका है वो भी लोकर तोड़ लियो, और 2-3 छोटी मोटी चोरी होगी लोग अभी हम क्या करें अभी उठा तो है कौन ही, तो हम तो पुलिस का आगे हाथ जोड़ विनती करा भाई हमारा काम को सहयोग करो हम आपके साथ हैं, मगर पुलिस ने एक काम घटिया कर राम सिंह सरपंच। जी हाँ जी, क्या ये मामला है जो आपके गांव में नशे को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई गई और उसके बाद सरपंच की का बता रहे हैं कि कुछ जुर्माना सरपंच पर लगाया, तो क्या कारण रहा है? हाँ जी, 15-20 दिन पीछे दुणनाथ का मंदिर है वहाँ मीटिंग हुई, सरपंच ने खुद ही मीटिंग करी, मीटिंग के 25-26 मेंबर भी बने, उनके बाद यह बात हुई भाई कोई भी मुख्य आदमी कोई मेन आदमी है नशा को छुटाने दे 5100 रुपया दंड ला गई, ये भी 3-4 दिन पहले गम में बुरकी पकड़ी जी, सरपंच का चाचा का लड़का है पप्पू नाम है उसका, उसके घर से बुरकी बरामद की है, शराब की पेटियां भी बरामद की है, फिर भी सरपंच जागे उसको रतिया से ये स्टाफ से छुटाया है, और उसके बाद में मान लो इसको छुटाया है, और फिर भी कल गम में मीटिंग हुई उस मीटिंग में सरपंच खुद आया नहीं, आने का कारण यही है भाई मैं जूँगा तो मेरे को जुर्माना देगा, चौकीदार को जुर्माने की बार लिस्ट दी तो उसको कह दिया भाई तसली करो भाई सही बात है कोनी तो मैं दूँ जुर्माना नहीं मैं दूँ कोनी इनकार कर गया वो 5100 रुपये लगाया जी जुर्माने से। ये जो जुर्माना लगाने का फैसला ये किन लोगों ने लिया? ये जी मीटिंग तो करिए पहल प्रोत सरपंच साहब ने, सरपंच साहब कहने के बाद में ही हम लोग सब इकट्ठे हुए थे जी, फिर भी सरपंच ही खुद मीटिंग करता है, सरपंच ही खुद गाँव में नशे के खिलाफ में छुटाते हैं, यही बात है जी। तो अभी जुर्माना भर्ती आया? ना नहीं भरिया जी, चौकीदार सुबह मेरे पास आया बोले फौजी सरपंच ने टिया बिल मैं जुर्माना नहीं दूंगा, चौकीदार कह के गया मेरे आपको। तो अभी जुर्माना अगर वो नहीं भरते तो क्या आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे तो कार्रवाई आई जी एसपी साहब से मिलेंगे जाकर भाई हमारा सहयोग देंगे, एसपी साहब पुलिस सहयोग देगी तो मीटिंग में रहेंगे, नहीं मीटिंग में नाम नहीं रखेंगे हमारा। तो पुलिस की तो भाई साहब मिली भगत आई है, 2 जना ने पकड़े है दोनों ही बुरकी है बंद नहीं आना छोड़ दिया, पुलिस की मिली भगत आप ही मिली भगत है जिदा ही छुट्टियाँ नहीं कुकर छूट दे। तो पुलिस पे कार्रवाई हो इसके लिए एसपी को मिले हैं आपको ये लिखेंगे कोई? हम मिलेंगे पुलिस के बारे में एसपी साहब को बताएंगे भी हम तो सहयोग कर रहे हैं, पुलिस आप उसको छोड़ रही है, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है? जगत पाल गोदारा। आपके गांव में क्या डिसीजन हुआ था नशे को लेके और उसके बाद क्या उसका रिजल्ट रहा? हमारे गांव में हमने पंचायत की थी पूरे गांव ने,
और पंचायत में ये डिसीजन हुआ था कि गांव में जो चिट्टे का स्मैक का जो नशा चल रहा है, शराब का, बुकी का, जो भी नशा चल रहा है, उसके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी है और उन जो भी आदमी इस नशे में इन्वॉल्व है, जो बेचता है, उसकी कोर्ट में जाने के बाद कोई आदमी, ग्राम पंचायत और सरपंच और जो जो मेंबर हैं वो उनकी जमानत नहीं करवाएंगे। उसके बाद पुलिस से के बारे में भी हमारी डिस्कस हुई कि अगर हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं किसी भी चीज़ की कि ऐसा ऐसा ये काम हो रहा है, तो जो तस्कर हैं उनके पास हमारे मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ भी होती है कि वो वहाँ से चलते हैं तो पता नहीं उनको कौन इन्फॉर्मेशन देता है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, और जो तस्कर है उनको पहले पता लग जाता है। तो इस तरीके से एक आदमी टारगेट होके कब तक कोई चीज़ करेगा। गांव की पंचायत ने जो फैसला लिया उसके बावजूद भी पुलिस आई 3-4 दिन पहले और यहाँ से कुछ नशे का पदार्थ पकड़ के लेके गई। दूसरे दिन गांव के सरपंच साहब और कुछ और लोग उनके साथ थे जिन्होंने वहाँ जाके और उनको जो भी छुड़वाया और जो कुछ किया, तो जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा। और उसके अलावा गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और पुलिस प्रशासन को, जहां तक सभी को पता होता है आजकल कि उनको पता है कौन नशा बेचता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, उनके ऊपर पुलिस को और एसपी साहब को लगाम लगानी चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं कि इस काजल लेडी गांव के अंदर कोई भी नया लड़का अगर ये चीज़ करता है तो हमारा देश गर्क में जा रहा है और उसको बचाने का हम भरकस प्रयास कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई निजी मतलब वो नहीं है, हम ये चाहते हैं इस गांव में नशा ना बिके, चाहे वो शराब का हो, अफीम का हो, भुक्की का हो, स्मैक का हो, बस उसी के खिलाफ हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, गांव की पूरी पंचायत बैठी है, कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इस गांव में और नशे पे रोक लगाई जाए। गांव में जो फैसला हुआ कि 5,100 रुपए कैसे क्या देखेंगे जी, जो खुद कमेटी गठन करता है उसके बावजूद मतलब वो चीज़ है कि 5,100 रुपए जुर्माना दे के छूटना है, तो उसमें हम क्या कहें। आप सभी लोग इस बारे में समझदार हैं कि किसी के ऊपर पर्सनली क्या टिप्पणी करूं, वो गांव के मुखिया हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मपाल है जी और मैं काजल एडी का रहने वाला हूं।